हाय दोस्तों, मैं कुसुम। स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक और इसकी आइसिंग भी करेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसे बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो ये है: 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 कप और 1/4 कप मैदा, 1 कप पाउडर शुगर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 टेबल स्पून व्हाइट वेनेगर, 1/2 कप दही और 1/2 कप दूध, 100 ग्राम बटर और 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखेंगे। उसमें नमक डालें, स्टैंड को रखें और ढक करके मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ दें। अब हम केक मोल्ड लेंगे। 7 इंच का मैंने केक मोल्ड लिया है। इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। आप रिफाइन ऑयल भी लगा सकते हैं। बटर को अच्छी तरह से चारों साइड लगा दें और इसमें बटर पेपर को राउंड कट करके लगा दें। इससे जब हम केक रिमोल्ड करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब हम बटर मिल्क तैयार करेंगे। वेनेगर को दूध में डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारा बटर मिल्क तैयार हो गया। इसे अब हम साइड में रखेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट को छानेंगे। मैदा को डालें और उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोकोआ पाउडर को मिला करके अच्छी तरह से छान लें। इससे इसमें जो लम्स होंगे वो टूट जाएंगे और हमारा मिक्सचर जो है वो फ्लफी हो जाएगा, एयरी हो जाएगा। अब हम पाउडर शुगर लेंगे और बटर को डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ सॉल्टेड बटर लिया है। अगर आप व्हाइट बटर यूज करें तो उसमें 1/2 टीस्पून नमक मिक्स कर लें और इस तरह से फ्लफी होने तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें दही को डालें और अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। वेनिला एसेंस को डालें और इन सबको मिला करके अच्छी तरह से मिक्स करें और ड्राई इंग्रेडिएंट को थोड़ा थोड़ा करके डालें। हम इसे 3 बैच में मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करें, थोड़ा सा बटर मिल्क डालें और उसे भी मिलाएं। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहेंगे। इसमें फूड कलर भी पड़ता है, तभी तो ये रेड वेलवेट केक होगा, क्योंकि इसे रेड कलर भी लाना है तो हम इसमें रेड कलर डालेंगे। मैंने 1/2 टेबल स्पून लिक्विड कलर डाला है। इसे अच्छी तरह से मिला लें इस स्पैचुला की सहायता से। अगर आपको कलर कम लगे तो आप और भी यूज कर लें, क्योंकि इसका रेड कलर आना ज्यादा जरूरी है। हमारा बैटर तैयार है। मैं इसे मोल्ड में डालूंगी और इसे टैप करें ताकि इसमें जो भी एयरी बबल्स हो वो टूट जाए। इसे कढ़ाई में रखें और कवर कर दें। इसे हम 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे और 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए, हमारा केक तैयार है। अब हम इसे वायर रैक पे रख करके पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। केक पूरी तरह से ठंडा हो गया। ऊपर वाली सतह को हम काट करके निकाल लेंगे, जिससे बराबर हो जाएगा, और इसे एक और पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली पतली सतह को मैश करके हम उसका क्रम तैयार कर लेंगे। बीटर और बॉल को हम डीप फ्रीजर में 3-4 घंटे के लिए रख के पूरी तरह से चिल कर लेंगे। 1 कप व्हिप क्रीम लेंगे और इसे बीट करेंगे। स्टार्टिंग में हम स्पीड को स्लो रखेंगे और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। इसकी सॉफ्ट पिक होने तक इसे बीट करेंगे। देखिए, ये हमारा व्हिप क्रीम तैयार है। अब हम दूसरे बॉल में 1/2 कप क्रीम चीज लेंगे और इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर डालेंगे और स्मूथ होने तक इसे हम बीट करेंगे। अब इसमें व्हिप क्रीम को मिक्स करेंगे। हम इसे पार्ट बाय पार्ट मिक्स करेंगे। एक ही बार मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से वो मिक्स नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा बैच में इसे मिक्स करेंगे इस तरह से। केक
केक के ऊपरी सतह को मैश करके क्रम्स तैयार कर लिया है। एक कप पानी लेंगे, उसमें 3 टेबल स्पून चीनी को डालेंगे और घुलने तक उसे पकाएंगे। ठंडा करके उसे हम केक को गीला करेंगे इस तरह से, और इस पर व्हिप पैलेट नेफ की सहायता से इसे इवेनली स्प्रेड करें, हल्के हल्के हाथों से फैलाएं। अब इस पर दूसरा लेयर भी रखें और ऊपरी सतह को भी शुगर सिरप से गीला कर लें और उस पर व्हिप क्रीम को डालें और उसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड करें हल्के हाथों से दबाते हुए, और किनारों पर भी इस तरह से लगाएं। देखिए क्रीम को लगाते हुए चारों साइड फैलाएं और इस कार्ड की सहायता से इसे चिकना करें। इससे आसानी से आपका जो सतह है वो चिकना हो जाएगा और किनारों को मिलाते हुए स्मूथ कर लें। मैंने यहाँ स्टार नोजल को यूज किया है, इससे मैं इस पर डिजाइन बनाऊंगी इस तरह से। हमने केक को मैश करके जो क्रम्बल तैयार किया था उसे इस पर स्प्रिंकल कर देंगे और इसके किनारों पर कार्ड की सहायता से लगाएंगे, जिससे हमारा केक देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से कार्ड से हम इसके किनारों पर भी क्रम्स को लगाएंगे, इससे आसानी से लग जाता है और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। देखिए हमारा केक जो है वो तैयार हो गया है। हमारा रेड वेलवेट केक तैयार है।